सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत ग्राम रुजनखेड़ी और ग्राम डाबरी में बाल विवाह होने के दो मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है और बाल विवाह होने से रोका गया। जहां सीहोर जिला कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया है। इसी कड़ी में महिला बाल विकास द्वारा ग्राम रुजनखेड़ी और ग्राम डाबरी में बाल विवाह करते परिवार को रोका गया, जहाँ ग्राम रुजनखेड़ी निवासी दो बालिकाओं की शादी खातेगांव तहसील निवासी से तय की गई है, जिसमें एक लड़की बालिक है तो दूसरी नाबालिग होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें ग्राम रुजनखेड़ी में दो बालिका हैं, आरती जाटव पूजा जाटव, के संबंध में बाल विवाह की खबर मिली थी। आज मेरे द्वारा सेक्टर पर्यवेक्षक के द्वारा घटना स्थल पर गए और वहाँ जांच की गई। चूंकि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे ये सत्यापित हो सके कि बालिका पूर्ण बालिक है, इसके संबंध में हमने यहाँ पे विकासखंड शिक्षा अधिकारी है उनसे उसका आयु का सत्यापन कराया है। चूंकि ये बालिकाएं कभी बोरखेड़ा कला में पढ़ती थी तो उस रिकॉर्ड के आधार पर एक बालिका पूर्ण है और एक बालिका नाबालिग है, तो उसके संबंध में हमने थाना प्रभारी। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।